जावेद जी की एक और भविष्यवाणी हुई पूरी। मैंने एक भविष्यवाणी किया था 14 देशों में 14 तारीख को भूकंप आएगा, तो 25 27 28 देशों में एक साथ एक ही टाइमिंग पर भूकंप आया। लोग मजाक उड़ा रहे थे मेरा, लेकिन मेरा मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होगा, जो प्रभु ने बोला वो होगा और जल्दी होगा। लेकिन वो सिर्फ मेरे फास्टिंग करने से, मैं कह रहा हूं कि पिछले साल वो 28 देश बचे रहे, लेकिन इस साल अगर किसी को लगता है कि हमारा प्रार्थना करना पास्टरों का प्रॉफिट का व्यर्थ है, तो उनको 2021 में दिखाई देने वाला है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे, मैं खुलकर उन देशों के नाम बता रहा हूँ, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, रूस और साउथ के साइड के देश, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ऐसे कुछ अरब कंट्रियां चपेटे में आएंगी। प्रॉफिट जी के बोलते ही आया इंडोनेशिया में भूकंप, न्यूज चैनल ने भी कंफर्म किया। देश में एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इंडोनेशिया से मिल रही है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में कल 6.2 तीव्रता वाला तगड़ा भूकंप आया। 6.2 काफी ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप माना जाता है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में इंडोनेशिया में तगड़े भूकंप से 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल है। राहत और बचाव का कार्य अब भी जारी है। सरकारी इमारतों को काफी नुकसान पहुँचा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रॉफिट जी ने कहा था कि आप भूकंप की न्यूज को सुनेंगे और उनके बोलते ही आया इंडोनेशिया में भूकंप। मैं फिर बोल रहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला कोई भूकंप आने वाला है। पवित्र आत्मा इसी समय दया कर, परमेश्वर आने वाले समय में दया कर लोगों पर। बड़ी खबर, इंडोनेशिया में आए भूकंप के बाद हुई तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आने लगी हैं। कुदरत के इस कहर से अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीर इंडोनेशिया की है, क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर रात जलजला आया था। जलजला मतलब भूकंप आया था, और ये भूकंप इतना ज़्यादा तेज था, इतना ज़्यादा खतरनाक था कि बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें देखते ही देखते कचरे का ढेर बन गई। सैकड़ों लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही, और हज़ारों लोग घर से बेघर हो गए देखते ही देखते। अचानक से पल भर में ज़मीन हिली और बिल्डिंगें चकनाचूर हो गई। बहुत सारे लोगों के मरने की खबर आ रही है, और बहुत सारे लोग ये बिल्डिंगों के नीचे दबे हुए हैं कचरे के ढेर में। आप सिर्फ प्रार्थना करो कि आप कहेंगे कि 2021 अच्छा नहीं आया, 2020 ही अच्छा था, लेकिन वो कहेंगे जो यहोवा को नहीं जानते। जो लोग यहोवा को जानते हैं, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, तो आप भी जरूर आए द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम, प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, 0172-510-777। अपनी आशीषों को पाने के लिए और प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।